हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आधा सच तो तू देख रहा बाड़ा कि तोहर आपन बाड़न, बाकी आधा सच तो के नहीं दिखाई दे रहा बा कि कौरव जे तोहर आपन बाड़न उ ए युद्ध भूमि में तोहके अपना गला लगावे खातिर नहीं आयल, बल्कि तोहर खून से होली खेले आयल बाड़न। देखा इनका औरी ई तोहर काल बन के तोहर प्रतीक्षा कर रहा बाड़न। सब जिनका के तू आपन कर रहल बाड़ा, ई कौरव एक बात निश्चित रूप से जाने लन कि यदि उ लोक के एह युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करे के हा तो ओह महापराक्रमी के आपन रास्ता से हटावे के होई, जेकर नाम अर्जुन हा। पार्थ, तू इनका आपन समझेला, ऐसे तू इनका मौत के घाट ना उतारल चाहता। बाकी जदि तू इनका के मौत के घाट ना उतर बा तो जरूर तू सब लोगन के मौत के घाट उतार दिए। हे मधुसूदन, यदि वो हमके मारल चाहेलन तो मार देस, हमके एकर कोनो चिंता नहीं खे। बाकी हम आपन लोग के ही मार के पाप कैसे कर सकत हैं। यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होके अपन ही कुल के नाश से होके वाला दोष और पाप के ना देख सकेलन त का भइल। बाकी हम त ए युद्ध के कारण होखे वाला विनाश और विनाश से उत्पन्न दोष के देख सकत हैं, ओकरा पर विचार कर सकत हैं। हे केशव, तू तो जानेला कि कुल धर्म के नाश होके से सनातन कुल धर्म के नाश हो जाला, और धर्म के नाश हो जाए से पूरा कुल में पाप वही तरह फैल जाला जैसे कोनो प्राण घातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाला, और ओह फैलल पाप के कारण ओह कुल के स्त्री सब दूषित हो जाएली, और स्त्री लोग के दूषित हो जाए से
वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होखेला और वर्ण शंकर के पाप के कारण सगरे कुल के कुल नर्क के अधिकारी बन जाला। इतना ही ना, उनकर पितरन के भी अधोगति प्राप्त होखेला। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्सनम अधर्मो अभि भवत्युत अधर्मा अभि भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाशने चायते वर्ण संकर। इस सब जान के भी हम युद्ध करी, ये कैसे हो सकेला? हम कुल घाती होके के पाप स्वयं अपना हाथ से अपन माथा पर कैसे लिखी? ऐसे हम युद्ध ना करब, हम युद्ध ना करब। का अर्जुन अपन धनुष नीचे रख देलन? हाँ महाराज। संजय, यह अवसर है, सुनहरा अवसर। काहे कि अर्जुन अपन गांडीव धनुष नीचे रख देले बा और कृष्ण तो पहले से निशस्त्र बाड़न। ऐसे में यदि पितामह लोग पांडवन के सेना पर आक्रमण कर देलन तो फिर कौरव लोग के विजय निश्चित हुई। काहे कि अर्जुन के बिना पांडव लोग के सेना एगो शस्त्रहीन सेना के समान है और एगो शस्त्रहीन सेना के हरावल कोनो कठिन काम ना होला। और फिर पांडवन के इंद्रप्रस्थ का 5 गांव भी देवे के जरूरत ना पड़ी। और फिर हमार प्रिय बेटा दुर्योधन संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट हुई। संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट। क्षमा करी महाराज, ये आप कैसन अनुचित बात कर रहा हैं। एगो क्षत्रिय महाराज के ऐसन अधर्म और अन्याय के बाद शोभा ना देवेला। आपके बात युद्ध के नियम के विरुद्ध है महाराज। एगो निशस्त्र योद्धा और ओकर सेना पर वार ना कैल जाला। फिर भी कौरव अधर्म के मार्ग अपने ही हैं। एह शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण उपदेश देवे से पहले अपन दैवीय शक्ति द्वारा कुरुक्षेत्र में समय के गति के रोक दिले हैं। रणभूमि में कौरव और पांडव के वीर महावीर और सेना लोग पत्थर के मूर्ति के लेखा अचल ठाड़ बाड़न। श्री कृष्ण और अर्जुन में का चर्चा हो रहल बा एकर केहू के ज्ञान नहीं खे। काहे कि समय भी श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले वाला हर शब्द के सुने खातिर कुरुक्षेत्र में जैसे थम गई है। हम जानत रही कि कृष्ण जरूर कोनो चाल चली। संजय, हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई। यदि हम ओ दिन कृष्ण के बंदी बनावे में दुर्योधन के साथ दिले रहती तो आज दिन देखे के ना पड़ीत। और हे जनार्दन, जवन प्राणी लोक के कुल धर्म नष्ट हो गई है वो मनुष्य के अनंत काल तक नरक में वास होखेला। ऐसे तो अच्छा है कि हम कमंडल लेके घरे घरे भिक्षा मांगत फिरी। वाह अर्जुन, कितना सुंदर विचार है। हम युद्ध ना करब, हम भिक्षा मांग लेब। हे अर्जुन, ई बात कोन वीर ना खाली एगो कायर ही कर सकेला। का तू अपन कायरता के प्रदर्शन करे खातिर एह युद्ध भूमि में आयल हो? का यही खातिर तू भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण कर लिया हुआ? Thank you.
का बरसन घोर तपस्या करके अपन पिताजी देवराज इंद्र से तू दिव्यास्त्र यही खातिर प्राप्त कैले रहा? कातो के अपन माई कुंती के अंतिम सनेसा याद निखे कि जब भी हमरा सामने आईहा त विजयी बन के आईहा और अपना माथा पर कौरवन के खून से विजय तिलक लगा के आईहा कि छत्राणी जदि जियेले त खाली ऐसे कि अपना वीर बेटन के युद्ध भूमि में यशस्वी हो देख सके। 13 बरिस तक हम अपना बेटन के मुखमंडल के दर्शन ना कईली, बाकी अब जब वो हमरा सामने आवस तो अपना शत्रु के रक्त से विजय तिलक लगा के ही हमरा सामने आवस, ना तो ना। हे अर्जुन, याद रखा अपन माई के ओह वचन के निभावे के जिम्मेदारी तोहरा पर हा। ऐसे अपन हृदय के तुच्छ दुर्बलता के त्याग के क्षत्रिय के लेखा युद्ध करा, कहे कि क्षत्रिय लोक के धर्म है युद्ध कैल। हे मधुसूदन, हम हूँ जानत हैं कि हम क्षत्रिय हैं, युद्ध कैल हमार धर्म है। बाकी ये युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह के देख के हमार शरीर ढीला पड़ रहा है, हमार आत्मा कांप रहा है, हमार गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचार के आक्रमण से हमार मति भ्रमित हो गई है। ए दुविधा के कारण हमके हमार मार्ग साफ ना दिखाई दे रहा है। हे कृष्ण, तू हमार गुरु बाड़ा, भगवान बाड़ा, हम तो हर शरण में आयल हैं। अब तू ही हमार मार्गदर्शन करा, हमके रास्ता बताओ कि का उचित है और का अनुचित। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नान सोचन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। चलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित
सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। प्रणाम भगवन। बैठी देवी पार्वती। का बात है प्रभु, आप आपन समाधि अधूरा छोड़ दिली? आपके समाधि तो युगन युगन तक चलत रहेला। देवी पार्वती, धरती लोक पर यह समय एगो दिव्य घटना होखे जा रहल है। प्रभु, ऐसन कौन सा दिव्य घटना घटे जा रहल है जे आप आपन तपस्या अधूरा छोड़ दिली? आज धरती पर जे दिव्य घटना घटे जा रहल है ऐसन युगन युगन में कबो ना भइल। भगवान श्री कृष्ण अपन मानव अवतार में आज जे ब्रह्म ज्ञान देवे जा रहल हई उ कबो अनादि काल में उहां के सूर्य देवता के दिले रही। ओ ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुने के अवसर हम खो ना सकीले। हम तका सभे देवी देवता ए समय सावधान हो गइल बाड़न। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गईल है, जैसे काल के गति भी रुक गईल है, और महाकाल स्वयं भगवान के वाणी सुने खातिर कुरुक्षेत्र में रुक गईल बाड़न। और देखा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपन ज्ञान के धन के बढ़ावे खातिर कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी के सुन रहल हैं। और देखा, देवर्षि नारद मुनि भी ओ अमृत वाणी के रस में ऐसन खो गेल बाड़न कि यह समय नारायण नारायण के जाप भी भूला के ज्ञान रत्न के समेट रहल बाड़न। ओ ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुने के अवसर हम खो ना सकीले। आप भी ध्यान से सुनी देवी, प्रभु अर्जुन के का समझा रहल हैं। हे अर्जुन, किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है? वीरोचित है न आर्योचित जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी क्या यह बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। संजय, ये कृष्ण अपन सारथी धर्म भुला रहल बाड़न। युद्ध में सारथी के खाली अपन स्वामी के आज्ञा के पालन करके रथ के संचालन करे के चाही, और संकट के समय यदि जरूरी होखे तो अपन स्वामी के प्राण के रक्षा करे खातिर ओकरा के कोनो सुरक्षित जगह पर ले जाए के चाही। बाकी कृष्ण जे कर रहल बाड़न उस सारथी धर्म के विरुद्ध। यदि अर्जुन युद्ध कर लेखे चाहत तो कृष्ण ओकरा के उपदेश दे के युद्ध खातिर काहे उकसा रहल बाड़न।
वासुदेव बहुत ही चतुर बा। उनकर बात जितना मीठा उतना ही विशाला भी है। हमार अर्जुन तो अभियो लईका हा, कच्चा कान के हा। यदि वो कृष्ण के बहकावा में आ गई तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाई। संजय तू जरा हमके बतावा कि कृष्ण इस समय अर्जुन के कौन सा पाठ पढ़ा रहा हा। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तू ज्ञान के बड़का बड़का बात करेला और दूसर सांस में अपना के शिष्य मान के हमरा से ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करेला। हे पार्थ, तुहार ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दूधारी तलवार के लेखा होखेला, जे अधूरा ज्ञान लेवे वाला और देवे वाला दोनों के काटेला। इस सबसे पहले तोह के एक घातक हथियार के छोड़े के हुई, ना कि अपन गांडीव के। बाकी तू तो उल्टे काम कर रहा बाड़ा। तुहरा हाथ में अधूरा ज्ञान के तलवार है और तू अपन गांडीव नीचे छोड़ देले बाड़ा। हे केशव, हम का करी? हमार मन और मस्तिष्क ओ धर्म काटा के लेखा डोल रहल है, जेकर दोनों पलड़ा में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखल होके यह दोराहा पर ठाड़ हम आपके शरण में आयल हैं। हमके एगो गुरु के लेखा रास्ता दिखाई। माधव, रास्ता दिखाई।